बुधवार की सुबह अधूरे पुलिये से गुजरते हुए एक लड़की की नाले में गिरकर मौत हो गई। मृतक का नाम मुस्कान सलीम अंसारी बताया जा रहा है। नाले में गिरने के तुरंत बाद ही नितिन गडकरी के फिल्टर जल प्रोजेक्ट का पानी उसी नाले में छोड़ा गया, जिससे लड़की की लाश बह गई। बता दें कि संगमनगर इलाके के नाले पर बने अधूरे पुलिया की वजह से अन्य बस्ती में जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पिछले 2.5 सालों से इस संगमनगर पुलिया का काम शुरू है। अन्य बस्ती में जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण पैदल चलने वालों के साथ ही बाइक सवार की भी भीड़ इस पुलिया पर लगी रहती है। बुधवार को लड़की नाले में गिरकर मौत होने के तुरंत बाद ही फिल्टर जल प्रोजेक्ट का पानी कर्मचारियों द्वारा छोड़ा गया, जिस वजह से लड़की की लाश पानी में बह गई। अभी तक लड़की के परिवार को लड़की की लाश नहीं मिल पाई है, यह सब प्रशासन की गलती बताई जा रही है। प्रशासन ने पहले पर्याप्त मार्ग निकालते हुए काम पूरे नियोजन के साथ शुरू करना चाहिए, ऐसा नजदीकी बस्ती वालों का कहना है। संगमनगर के इसी पुलिया का काम पिछले 2.5 सालों से बंद होने के कारण अभी तक वहाँ पर ऐसी 4 घटनाएं हो चुकी है। इस नाले के पुलिया का काम शुरू करने के साथ ही नजदीकी बस्ती वालों को दुर्घटनाग्रस्त घोषित करने की मांग प्रशासन से की गई है। इसके अलावा पुलिया का काम जल्द ही शुरू करें, अन्यथा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना द्वारा आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी प्रशासन को दी गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, NBC न्यूज़, नागपुर।